नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Respected Dr. Ahmed Umar Murad, Chairman ILM Trust. Respected Ibrahim Hassan Murad, President ILM Trust and University of Management and Technology Lahore. Respected Dr. Asif Raza, Rector, University of Management and Technology Lahore. Moses Membran, Board of Governors, University of Management and Technology Lahore. Faculty, and I see renowned educationists like Dr. Mujahid Kamran Saab and other here. काबिल फ़ख्र प्राउड पेरेंट्स, आप हम सब के लिए काबिल फ़ख्र इसलिए हैं कि आपने अपनी तवानाइयाँ, अपनी मेहनतें, अपने वसाइल बरोएकार लाकर हमारी नई नस्ल को पढ़ाया, लिखाया, इल्म के जेवर से आरास्ता किया। तो यकीनन आप आज प्राउड पेरेंट्स हैं अपने बच्चों की कामयाबियों की वजह से, लेकिन आप हम सब के लिए काबिल फ़ख्र हैं। अज़ीज़ तलबा व तालबात, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज के इस जलसा तकसीम असनाद के मौके पर इसलिए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज डॉक्टर हसन सुहैब मुराद के ख्वाबों की ताबीर जामिया में मौजूद हूँ, जो आला अखलाकी कदरों की तरवीज के ख्वाब पर मबनी है। कहते हैं कि रात ख्वाब देखने के लिए होती है और दिन ख्वाबों के हसूल के लिए तगोदो करने के लिए। यकीनन इस इदारे का वजूद एक दिन के उजाले की मानद है। इस तकरीब के कामयाब इनकाद पर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मौका ना सिर्फ तलबा और तालबात के लिए बल्कि इनके वालदैन, असातिज़ा और तालीमी इदारे और पूरी कौम के लिए खुशाइंद है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बात इत्मीनान बख्श है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर का शुमार पाकिस्तान की बावकार यूनिवर्सिटीज़ में होता है। मुझे बताया गया है कि 41 खसूसी शोबों के साथ साथ तकरीबन 15 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, जिनमें असरी मज़ामीन पर खसूसी तवज्जो दी जाती है, और इस वक्त यूनिवर्सिटी में 900 से ज़्यादा फैकल्टी मेम्बर्स हैं, जिसमें से तकरीबन 270 से ज़ायद PhD हैं और अक्सरियत गैर मुल्की डिग्रियों की हामिल। मैं समझता हूँ तालीम और तहकीक की बदौलत मुल्क को खुशहाली की राह पर गामजन किया जा सकता है। यही वजह है कि जब भी PMLLN को मौका मिला, तालीम पे फंडिंग को बढ़ाया। 2000 से 2018 तक HEC की ग्रांट 3 गुना बढ़ा दी गई थी और ये अभी भी जारी है रविश। आज यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी अपने आला मायार तालीम और तहकीकी मैदान में अहम तालीमी मरकज़ के तौर पर जानी जाती है। मुझे खुशी है कि यूनिवर्सिटी ने गुज़श्ता सालों में इल्मी तहकीक में मुसलसल बेहतरी से कौमी और बैन-अल-अक़वामी सतह पर नुमाया मकाम हासिल किया। ये अमर बायस मुसरत है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर ने मशहूर मुल्की और गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों के साथ 60 से ज़ायद MOUs पर दस्तखत किए हैं, जिनके ज़रिए बैन-अल-अक़वामी यूनिवर्सिटियों के साथ बाहमी ताउन पर मबनी तहकीकी मनसूबों पर काम जारी है। उम्मीद करता हूँ कि यूनिवर्सिटी आला तालीम और तहकीक के मैदान में मज़ीद तरक्की के लिए हमेशा कोशां रहेगी। ताहम इस तरक्की के सफ़र में तमाम फैकल्टी मेम्बर्स और स्टूडेंट्स को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा, क्योंकि बाहमी ताउन के बगैर कोई भी मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। अज़ीज़ तलबा व तालबात, हमें ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि इस माशरे में हर इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत है और इट इज़ द टीम वर्क एंड कंबाइंड एफर्ट्स विच लीड यू टूवर्ड्स सक्सेस। आज दुनिया में जिस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंकलाब बर्पा किया हुआ है, उसकी बुनियाद कोलैबोरेशन पे, कोऑपरेशन पे, टीम वर्क पे और एम्पथी पे रखी गई है। फिनलैंड के स्कूल्स अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर एक दूसरे से राबता रख कर जॉइंट एफर्ट्स और जॉइंट प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, ताकि उन्हें हमेशा इस बात का एहसास रहे कि हम अकेले 16 फ्लाइट्स करके उन बुलंदियों पे कभी नहीं पहुंच सकते जो मिलजुल कर चलने से हासिल होती हैं। मैं समझता हूं कि आपके अंदर भी ये एफर्ट्स और ये आदत जो हैं वो कूट कूट के भरी होनी चाहिए कि आप मिलजुल कर काम करके एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स को मिलाकर सिनर्जाइज करते हुए आगे बढ़ें और कामयाबियां हासिल करें। आज का दिन आपकी ज़िंदगी में संगे मील की हैसियत रखता है। जहां एक तरफ आपका तालीमी सफ़र कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो रहा है, तो वहीं ये मुस्तकबिल की नई शुरुआत है। ये ग्रेजुएट्स वालदैन, असातिज़ा और कौम के लिए फ़खर, एज़ाज़ और ख़ुशी का एक लम्हा है जिसमें सब ने अपना किरदार अदा किया और इस कामयाबी में अपना हिस्सा डाला। इस पर मैं आप सबको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको दुनिया व आखरत की कामयाबियाँ अता फरमाए। डियर ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जामिया में क़याम के दौरान न सिर्फ अपने दामन में बेशबहा इल्म के मोती समेटे होंगे, बल्कि मैं आपसे ये तवक्को करता हूँ कि आपने किताबें पढ़ने के साथ साथ किताब बीनी को अपनी आदत बना लिया होगा जो आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग के समरात से बहरावर करेगी। मैं ये भी तवक्को करता हूँ कि आपने आला अखलाकी कदरें सीखी होंगी। याद रखिए कि ये आपकी अच्छी आदतें, सच्चाई पे कायम रहना, बदी को रोकना और आपका आला किरदार ही आपकी दायमी कामयाबी की ज़मानत है। मैं आखिर में ग्रेजुएशन करने वाले तमाम तलबा व तालबात, उनके वालदैन और फैकल्टी मेम्बरान को इस कामयाबी पर तह दिल से खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।